आज हम 15 अगस्त के मौके पर ज्ञानेश्वर जी के साथ बात कर रहे हैं। वो एक क्लब चला रहे हैं पूना में, हिंजेवाड़ी फेज़ वन में, जिनमें 1,56,000 फार्मर्स जुड़े हुए हैं और ये क्लब 23 साल से वो चला रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, कैसे हो आप आज? आज तो ठीक हूँ, और 23 साल से हमारा अच्छा काम चल रहा है। तो आपकी जर्नी के बारे में और क्लब के बारे में बताइए। तो शुरू में तो पिताजी के साथ ट्रेडिशनल फार्मिंग करता था, उसमें घर के 8 लोग काम करते थे, तो भी साल का अनाज भी नहीं उगता था। इसलिए मैं पिताजी को बोला कि कितने दिन ये करेंगे। तब तक मेरा 10th हो गया था। 10th के बाद मैंने 10 साल तक एक प्राइवेट ऑफिस में जॉब किया, ऑफिस बॉय का। और वो जॉब में भी सुबह 6 बजे जाना, 11 बजे वापस आना, फिर किसके लिए जीते समझता ही नहीं था। इसलिए मैं पिताजी को बोला कि मैं नौकरी भी छोड़ता हूँ और मैं फार्मिंग करूँगा, लेकिन मैं अच्छा फार्मिंग करूँगा जिसमें प्रॉफिट होगा। आज इंडिया में सब किसान फार्मिंग करते हैं, लेकिन कोई भी प्रॉफिट का फार्मिंग नहीं करते। प्रॉफिटेबल फार्मिंग करना बहुत ज़रूरी था। पिताजी को मैं बोला, पिताजी को गुस्सा आया कि नौकरी में अच्छा चल रहा है। पिताजी बोले ठीक है, तेरे को करने का है तो, लेकिन उसके पहले शादी कर ले, फिर लड़की देखी, शादी की। क्योंकि पिताजी ने बोला था ये नौकरी कर रहा है, अगर तू नौकरी छोड़ेगा तो तेरे को कोई लड़की भी नहीं देगा। हमारी कंट्री में जो देश को खाना खिलाता है उसके साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं, और जो देश में बहुत सारे फंसाने वाले लोग हैं उनके साथ 10 लड़कियां शादी करने के लिए तैयार, ये सिस्टम आज भी है। तो शादी हो गई, शादी के बाद तुरंत मैंने नौकरी छोड़ दी और वाइफ, पिताजी, माताजी को लेकर मैंने 10 कुंटे का 10,000 स्क्वायर फीट का एक पॉली हाउस किया। पहले उसके अंदर फ्लोरिकल्चर शुरू किया, क्योंकि उस टाइम फ्लोरिकल्चर का बहुत अच्छा डिमांड था। तो फ्लावर शुरू किया, फ्लावर सब लोग पुणे मुंबई में बेचते थे। मैंने दिल्ली में शुरू किया, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फंक्शंस होते और उसमें फ्लावर का रेट भी ज़्यादा मिलता था, इसलिए फ्लावर शुरू किया। 12 लाख का लोन लिया था, 10 लाख का लोन लिया था, 2 लाख मेरा और 10 लाख बैंक का। वो लोन भी 14 मंथ में चुकाया। फ्लोरिकल्चर में अच्छा पैसा मिलने लगा, थोड़ा सा नाम हो गया, टीवी में, न्यूज़पेपर में छपाया कि ये 10 घंटे वाला फार्मर 10 लाख का लोन 14 मंथ में चुकाया। नेशनल अवार्ड भी नाबार्ड का मिला, तो अच्छा मेरा ताकत बढ़ गया, घर वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोगों ने पॉजिटिव बोलना शुरू किया। उसके बाद 4-5 लड़के आए, बोले हमें भी ऐसा काम करना है, उनको भी मैंने सिखाया, वो भी सक्सेस हो गए। उसके बाद अकेला मैं काम करने लगा, सबके वहाँ पे जाना, तो मेरे फार्म पे मेरा थोड़ा सा ध्यान कम हो गया और दूसरों के लिए मैं फ्री में घूमता था। फिर मैंने सब जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, इसलिए मैंने 17 लोगों को लेकर अभिनव फार्मर्स क्लब नाम का फार्मर्स क्लब बनाया, जो नाबार्ड ने रजिस्ट्रेशन किया। क्लब इसलिए बनाया कि जिम्मेदारियाँ बांटेंगी, काम बढ़ जाएगा, और दूसरा है कि ट्रांसपोर्ट में मैं अकेला मेरे फ्लावर के बॉक्स पुणे स्टेशन तक लेके जाता था तो 300 रुपीज़ लगता था। 10 लोगों का मटेरियल भी उसी टेम्पो में गया तो 30-30 रुपये सबको भरना पड़ा, तो दूसरों की वजह से मेरा प्रॉफिट हो गया। फिर हम लोग इनपुट खरीदते थे, जैसे फर्टिलाइज़र 1100-1200 का बैग 800 रुपये में मिलने लगा, क्योंकि एक बैग को 1100 रुपये और 4000 बैग एक साथ खरीदा, 100 बैग एक साथ खरीदा तो 25-30% का डिस्काउंट मिलने लगा। इसलिए हमने एक साथ परचेसिंग करना, एक साथ ट्रांसपोर्ट करना, एक साथ कोई भी ज्ञान लेना, ये सब की वजह से 25-30% मुनाफा होने लगा। जो किसान साल का 10-15 हज़ार कमाते थे, वो अभी 4-5 लाख रुपये कमाने लगे। ग्रुप बहुत अच्छा चलने लगा, घर वाले भी खुश हो गए क्योंकि रोज़ पैसे आते थे। एक ही दिन में हमने मारुति 800 परचेस किया। उस टाइम मारुति 800 अच्छी गाड़ी थी, क्रेज़ थी उसकी, तो सब लोग घर में आकर बोलते जा रहे फार्मिंग में इतना पैसा मिलता है फार्मिंग में, तो लोग बढ़ने लगे, अच्छे अच्छे लोग आने लगे। जिसमें फिर महाराष्ट्र में हमारा देखकर बहुत लोगों ने फ्लोरिकल्चर शुरू किया, सब लोगों ने दिल्ली भेजना शुरू किया। दिल्ली का फ्लावर का डिमांड था 2 लाख फ्लावर का, 20 लाख फ्लावर जाने लगे, फ्लावर के रेट गिर गए। लोग डिमांड सप्लाई नहीं देखते हमारे कंट्री में, सिर्फ ज्ञानेश्वर बोर्ड के पैसे कमा रहा है अभिनव ग्रुप, तो सब ने वही, लेकिन ज्ञानेश्वर बोर्ड के और अभिनव ने पहला टाइप किया था, बाद में उगाया था, ये किसी को मालूम नहीं था। लोगों को लगता है फ्लोरिकल्चर में पैसा है। फिर महाराष्ट्र में बहुत प्रॉब्लम है, आज भी 88% फ्लोरिकल्चर वाले पॉली हाउसेस बंद है, क्योंकि उतना उसका डिमांड नहीं। फिर हमने तुरंत एक्जोटिक वेजिटेबल का काम शुरू किया। अभिनव ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक ही ग्रुप है जो टाइम के टाइम चेंज होता है,
जैसा सिचुएशन है उसी ढंग से चेंज होता है। जो लोग आज तक बदल नहीं गए वो वैसे के वैसे गरीब है, लेकिन जो लोग बदल गए वो अमीर बने। बहुत सारी कंपनियां भी आपने देखी होगी, उनका मोबाइल बहुत फेमस था, लेकिन टाइम के टाइम चेंज नहीं हो गए तो वो चला नहीं, दूसरे आकर करोड़ों रुपये कमा रहे। कुछ वॉचेस है घड़ी में भी आपने देखा कि वो बदले नहीं तो चले नहीं। तो अभिनव ग्रुप हमेशा कुछ ना कुछ चेंज और अलग सिस्टम करता है। आज हम लोग 305 लोग हो गए, 305 लोगों का ग्रुप चला, अभी 305 के 156,000 लोग हो गए। अभी हम लोग फ्लोरिकल्चर नहीं करते तो पॉली हाउस में इंग्लिश वेजिटेबल करते, ब्रोकली चाइनीज कैबेज, और वो मॉल को टाइप करके बेचते। अभी तो मॉल वाले भी अच्छा पैसा नहीं देते, इसलिए घर घर में होम डिलीवरी देते। उसके साथ इंडियन वेजिटेबल करते, देशी गाय का दूध देते, गोमूत्र देते, काउडंग का केक बेचते, उसके साथ घी बेचते, फिर तोर दाल, मूंग दाल, चना, गेहूँ, धान में भी हम लोग आए। फिर लोग बोले फ्रूट भी चाहिए तो फ्रूट में भी काम करते। और ये सब काम करने के लिए यहाँ पे आईटी पार्क है, लेबर नहीं है। आईटी पार्क में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है और उस पैसे से वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेबर का भी यहाँ पे 500 रुपीज़ लेते हैं, दिन का मिलता है। हम लोग 300 रुपये देते तो हमारे साथ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए लड़के ने छोटे छोटे मशीनरी बनाना शुरू किया। हर चीज़ के ऊपर आपको सोल्यूशन निकलना है। बिजनेस में परवड़ता नहीं इसलिए छोड़ नहीं देना है, लेकिन सोल्यूशन निकालना कि क्यों नहीं परवड़ता है। सेम ये इंडस्ट्रीज ऐसा काम अभिनव ग्रुप करता है और अलग अलग एक्टिविटी की वजह से पैसा मिल रहा है। फिर हमको लेबर का प्रॉब्लम आया तो हमने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पकड़ा। उनको भी कोई काम नहीं था, वो भी अचार पापड़ बनाने में लगे रहे थे, प्रॉफिट में नहीं थे। तो हम लोगों ने उनको लिया और उनको बोला कि मैडम आप ऐसा करो ना, हमारे से सब्जी परचेस करो, मैं 8 रुपये से तैयार करता हूँ, मुझे 16 रुपये दे दो, 100% मार्जिन दे दो। वो बोले ठीक है। और वो बोले हमें क्या आगे रेट मिलेगा। मैं बोला हम ही कस्टमर देंगे आपको, 30 रुपये का कस्टमर देंगे, आपको भी पैसा मिलेगा। फिर उनको टेम्पो खरीद के दिया, 300 टेम्पो भी एक साथ हमने खरीदा, उसमें भी गवर्नमेंट ने 75% का सब्सिडी दिया, मतलब वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसलिए। तो उनको टेम्पो लिया, टेम्पो में उनके लड़के को उसने रोज़गार दिया। उनका लड़का ग्रेजुएट है लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। आज इंजीनियर का पेमेंट 12-15 हज़ार रुपये और हम लोग 60 हज़ार रुपये कमा रहे 2 आवर्स मॉर्निंग और 2 आवर्स इवनिंग काम करके, और एक ही एकर में। ज़रूरत क्या है बहुत बड़ा फार्मिंग करने की? हर किसान अगर थोड़ी थोड़ी फार्मिंग करेगा और 10-20 कस्टमर को घर में होम डिलीवरी देगा तो उसको गारंटेड पैसा मिलेगा। इस हिसाब से ग्रुप और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, आज भी 1.5 लाख किसान है और 1.5 लाख ही वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो उनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छा पैसा मिल रहा है। ये इंडस्ट्री दुनिया में जब तक आदमी जिंदा है तब तक चलने वाली इंडस्ट्री, इसमें कोई स्लैक नहीं है ना कोई स्टॉप सीजन है। आपने कोरोना में देखा कि सब लोग एक जगह पे बैठे हुए थे, हम लोग 16 घंटा काम करके सबको खाना खिला रहे थे। इसलिए 140 करोड़ पॉपुलेशन को कोरोना का कोई बहुत बड़ा असर नहीं हो गया, बहुत लोग ठीक हो गए। जो लोग ऑर्गेनिक खाते थे, जो लोग गाय और नेचर के साथ घूमते थे, उनको तो कोई कोरोना नहीं हो गया। तो ऐसा काम अभिनव ग्रुप के साथ कर रहा है। अच्छा, अगर मैं 1 एकड़ फार्म ले रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और मुझे प्रॉफिट में लाना है मेरा बिजनेस, तो आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा 1 एकड़ का और कितना प्रॉफिट होगा मुझे फर्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में मेरा प्रॉफिट कितने तक बढ़ सकता है। तो हम लोग जो 1 एकड़ में फार्मिंग करते हैं, अभी ऑल ओवर इंडिया में 156,000 1 या 2 एकड़ में फार्मिंग करते, तो 1 या 2 एकड़ में, तो 1 एकड़ का मैं रोल मॉडल आपको बोलता हूँ कि 1 एकड़ का फार्मिंग शुरू करने के लिए अगर आप ओपन कल्टीवेशन में फार्मिंग करते हैं तो 1 लाख रुपए में शुरू होगा। और उसके साथ पॉली हाउस करते, छोटा सा शेडनेट हाउस करते, शेडनेट हाउस इसलिए करने का गर्मी में हो गई तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उगेगा, रोज़ बारिश है तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ उगेगा, ओले गिर गए, गारपीट हो गई तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ उगेगा, क्योंकि 365 डेज मुझे कस्टमर को कुछ ना कुछ खाना देना खिलाना है और उनकी पैसे से मेरा घर चलाना है। अगर ऐसा करना है तो 8 लाख रुपये उसको खर्चा आता है और 2 लाख रुपये बाकी का। ऐसा 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको हर साल कैसा भी करके 5 से 8 लाख रुपये मिलेगा। मतलब एक बार इन्वेस्ट करना है 10 लाख और कमाना है 5 to 7-8 लाख साल का, ऐसा 25 साल तक आपको पैसा मिलेगा, 20 साल तक पैसा मिलेगा। ऐसा है, इतना ही इन्वेस्ट करना है और इसके अंदर पूरा आपका 1 एकड़ का जो बॉर्डर है उसके ऊपर आपको फ्रूट का प्लांटेशन करना है। 10,000 square feet पे पॉली हाउस, 30,000 square feet पे ओपन कल्टीवेशन, जिसमें अलग अलग टाइप की 27 टाइप की सब्जियाँ, और ये सब्जियों को हार्वेस्ट करके
फ्रूट को हार्वेस्ट करके देसी गाय का दूध तैयार करके आपको 20 कस्टमर ढूंढना है। 20 कस्टमर को उन्हें डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, बहुत सारे टीचर लोग है, इनको जाकर मिलने का है। तो 20 कस्टमर कहीं भी मिलेगा, 10 कस्टमर को थर्सडे को डिलीवरी देना है और 10 कस्टमर को संडे को। तो हफ्ते में दो बार सिर्फ मार्केटिंग करना है, 20 कस्टमर को देना है, कैसा भी करके 70,000 रुपीज़ आपको महीने का मिलेगा बस इतने इन्वेस्टमेंट में। अगर ये पैसा आप बैंक में रखते तो सिर्फ 4,000 रुपीज़ ब्याज मिलेगा, और खेती में इन्वेस्ट करके हेल्थ भी अच्छी रहेगी और 50-60 हज़ार रुपये मिलेगा। घर वाले भी खुश रहेंगे क्योंकि रोज़ अलग अलग टाइप का खाना मिलेगा, वो भी ऑर्गेनिक, जिसमें बिल्कुल केमिकल नहीं है। गायों के साथ घूमने को मिलेगा, हर साल उनको बच्चे होते हैं तो मज़ा आती है। मतलब दिन कैसा ख़त्म होता है समझता नहीं। हमारे यहाँ पे लोगों के पास करोड़ों रुपये लेकिन दिन नहीं जाता, हमारे यहाँ पे बहुत पैसे कम मिल रहे लेकिन दिन बहुत अच्छा जाता है, हेल्थ अच्छी है और एक मिनट में नींद आती है। बिल्कुल गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, 100% थकते हैं दिन भर तो नींद तुरंत आती है, रात को भी नींद आती है, दोपहर में भी नींद आती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये काम है, इसलिए ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो मॉडल है हमारे इंडिया के हर किसान के घर में चाहिए। एक भी किसान सुसाइड नहीं करेगा, एक भी किसान गरीब नहीं रहेगा। अच्छा, अभी हम तो बात कर रहे हैं एक एकड़ की, लेकिन हमारे जैसे लोग जो सिटीज़ में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, हमारे पास बहुत कम जगह होती है लेकिन हमारे पास कंपाउंड होते हैं और जो टेरेसेस होते हैं, हम उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको प्रॉफिट में क्या ला सकते हैं? 100% उनको प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो किचन गार्डनिंग अर्बन और पेरी अर्बन फार्मिंग अभी बहुत चल रहा है, बहुत लोगों को ज़रूरत है। कोरोना के टाइम तो बहुत लोगों ने घर में फार्मिंग छोटा छोटा किया लेकिन उसमें बिल्कुल सिस्टम नहीं थी, सिस्टमेटिक काम किया तो इसमें प्रॉफिट भी मिलेगा और प्रॉफिट और पूरे घर के लोगों को रोज़ थोड़ा सा टेंशन फ्री होने के लिए काम भी मिलेगा। लोग जिम को जाते 20,000 देते, मैं बोला रोज़ हाफ आवर मॉर्निंग और हाफ आवर इवनिंग काम करो, 20,000 उल्टा आपको मिलेगा, देने की ज़रूरत नहीं, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो किचन गार्डनिंग बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अभी हम लोग टेरेस बालकनी पे पिछले हफ्ते में मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सस्टेनेबल इस कॉलेज ने बुलाया था क्योंकि किचन गार्डनिंग पे पॉलिसीज तैयार हो रहे हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें मैं भी हूँ तो हम लोग उसकी पॉलिसीज भी तैयार कर रहे हैं। तो टेरेस है, बालकनी छोटी सी, एक 30 पॉट का जिसमें सब्जियाँ लगाओ। लोग क्या करते हैं, सिर्फ शो के प्लांट लगा दे, शो का प्लांट देख सकते खा नहीं सकते, मुझे ऐसे प्लांट चाहिए आप खा भी सकते और देख भी सकते। तो जैसे लेटूस है, ब्रोकोली है, चेरी टोमेटो है, देखने में भी पीला नीला अलग अलग कलर दिखेगा और भूख लगी तो दो चार तोड़ा और खाया, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, तो कितनी अच्छी डिश है। बच्चा स्कूल से आता है तो हम उसको चॉकलेट देते हैं जिसमें केमिकल का इस्तेमाल होता है, फिर हम कोई भी प्रोसेस फूड देते हैं जिसमें केमिकल का इस्तेमाल। तुरंत बच्चा आया, एक चॉपिंग किया पालक और थोड़ा सा धनिया और उसमें खट्टा मीठा कुछ डाल कर दिया तो लड़का बहुत अच्छी डिश खाएगा। हस्बैंड आया, उसको हर्बल टी बेसिल का करके दिया, वो भी रिलैक्स हो जाएगा। तो फिर आप उनके साथ कोई भी बात बोल के गए, नहीं चाहिए कपड़े चाहिए तो ले सकते हैं पैसे, सही बात बोलकर इधर उधर का बोलने से। तो 100% किचन गार्डनिंग की ज़रूरत है। जो रिटायर्ड लोग है उनका और यंग जनरेशन का जमता नहीं घर में, वो अगर एक एक घंटा किचन गार्डनिंग में देंगे तो घर में भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं, वो भी 100% अच्छे जिएंगे। बहुत सारे लड़के, पढ़े लिखे लड़के चैटिंग कर रहे, मोबाइल के साथ बात कर रहे, क्यों ना वो किचन गार्डनिंग में काम करेंगे नेचर के साथ। नेचर की बहुत ज़रूरत है, मोबाइल की नहीं। मोबाइल तो अभी कचरा वाले भी लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी फैमिली में अच्छे संस्कार होने के लिए पेड़ चाहिए, पौधे चाहिए, लेकिन वो खाने के लिए ही चाहिए, सिर्फ देखने के लिए नहीं। हमारे कंट्री में हर घर में किचन गार्डन है सिर्फ देखने के लिए, तो वो थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा तो सब लोगों को किचन गार्डनिंग की ज़रूरत है। उसका ट्रेनिंग सेंटर होगा, गवर्नमेंट भी अभी सिखा रहे, पॉलिसी निकाल रहे। अच्छा, और क्या स्कीम्स आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए और जो निकाली हुई है उसमें क्या आप बदलाव लाना चाहते हैं? गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है लेकिन वो स्कीम शायद किसानों के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के ऑफिसर के लिए। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत स्कीम में प्रॉब्लम है। आज स्कीम की वजह से कर्जा माफी दिया उन्होंने, कर्जा माफी वाला एक भी किसान काम नहीं करता है, सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड है। कर्जा माफी आएगी और वो पैसे से मैं बैंक का लोन रिपेमेंट करूँगा, ये गलत है। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी गलत स्कीम उन्होंने बंद करनी चाहिए, जो काम करता है उसको पैसा मिलना चाहिए। तो मैंने हमारे जो सीएम है अभी उनको एक लेटर दिया है कि आप सर जी ऐसा कीजिए, अगर आपके महाराष्ट्र में आपको सुसाइड नहीं चाहिए तो जो हस्बैंड और वाइफ उसके खेती में काम करते, चाहे वो लॉस का काम हो
या प्रॉफिट का, उनको 1.5 लाख रुपये दे दो, रोजगार हमें योजना जो है, आप लेबर को पैसा मत दे दो, किसानों को पैसा दे दो। लेबर को तो हम पेमेंट देंगे ना, हमारे साथ काम करेगा लेबर तो हम उसको पेमेंट देंगे, लेकिन किसानों को कुछ भी होगा, हस्बैंड वाइफ उसके फार्मिंग में काम करे तो लेबर समझ कर उसको थोड़ा सा पैसा दे दो, एक भी सुसाइड नहीं होगा। उसी 1.5 लाख पे वो बेचारा लॉस में तो भी अपना घर चलाएगा और सुसाइड नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पानी की ज़रूरत है, अभी सोलर देना चाहिए सबको, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को भी उसको पैसा भरना पड़ता है और किसानों को फ्री देना पड़ता है। उससे अच्छा है सोलर पंप दे दो, सोलर में भी बहुत प्रॉब्लम है, बहुत साल से सोलर चल रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, बहुत लोगों ने लेटर दिए, आर्ज दिया है, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी अच्छी है, तो वो चीज़ है। दूसरा है किसानों को मार्केटिंग में गवर्नमेंट ने सब सिस्टम देना चाहिए, पूरी कोल्ड चेन गवर्नमेंट ने डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैक हाउस देना चाहिए, पूरा सब्जी क्लीनिंग ग्रीडिंग पैकिंग करके कस्टमर तक जानी चाहिए। आज भी शूज को बहुत अच्छा पैकिंग है, शूज खाने की चीज़ है क्या, उसको काहे को पैकिंग, सब्जी को पैकिंग चाहिए, और सब्जी रस्ते से खरीदते हैं हम लोग, और शूज एसी शोरूम से, इतना भारी कंट्री है हमारा, शूज खाने की चीज़ नहीं ना, उसको काहे को रस्ते से खरीदो ना, लेकिन सब्जी खाने का कोई भी चीज़ हाइजीनिक चाहिए, अच्छा उसको पैकिंग चाहिए, क्लीनिंग चाहिए, ग्रेडिंग चाहिए, क्योंकि सब बीमारियां उसी की वजह से बढ़ रही। हम लोग बाजार से सब्जी खरीदते लेकिन सब लोग बोलते कि पैसा देकर पॉइजन खरीदते हम लोग, किसान भी इतना केमिकल का इस्तेमाल करता है, इतना केमिकल का, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको सिखाया इतना केमिकल डाल दिया तो बहुत बड़ा होगा, तो बहुत अमीर बनेगा, ऐसा नहीं होगा, अमीर कंपनियां बनी, किसान तो ऐसा के वैसा गरीब है, इसलिए लोगों को अच्छा खाना देना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब हम जब ऑर्गेनिक की बातें कर रहे हैं और महाराष्ट्र में, मैं ये सब साथ में क्यों पूछ रही हूँ ये आपको कारण अब समझ में आएगा। पहली बात तो सुसाइड है, दूसरी बात है गवर्नमेंट स्कीम, तीसरी बात है ऑर्गेनिक पे फोकस करना, और चौथी बात है फर्टिलाइज़र कंपनियों का बहुत बढ़ावा देना फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको कि महाराष्ट्र में फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, किसान सबसे ज़्यादा मर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन कम होते जा रही है, तो आपका क्या कहना है कि कैसे हम ये सबको चेंज करें? केमिकल फर्टिलाइज़र का बढ़ावा गवर्नमेंट ही कर रहा है, शायद गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिलता है या उनकी कंपनियां हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे किसान बर्बाद हो गए। आज पंजाब में आपने देखा कि एक ट्रेन शुरू हो गई, उसका नाम कैंसर ट्रेन है, कोल्हापुर में शिरोल नाम का एक गाँव है, एरिया है, उस एरिया में हर घर में कैंसर का पेशेंट है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें महाराष्ट्र में हो रही है, उसका रीज़न है केमिकल फर्टिलाइज़र, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते, लेकिन गवर्नमेंट अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे? शायद ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ मिलेगा नहीं उनको, पेमेंट के सिवाय लोगों को ज़्यादा पैसे चाहिए, सिर्फ पेमेंट पे चलना चाहिए, लेकिन 100% महाराष्ट्र के किसान को अगर सफलता कमानी है, अच्छी फैमिली जिंदा रखनी, रोज पैसा कमाना है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना ही पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? देशी गाय का गोबर गौमूत्र का इस्तेमाल करना है, जो पेड़ है आपके पास उसके पत्ते गिरते हैं अपने आप, उससे कंपोस्ट तैयार करना और डालना है। दूसरा है जो बायोगैस है, 15 किलो गोबर और 2 किलो किचन का वेस्ट अगर मिक्स किया तो उसकी जो स्लरी निकलती है वो स्लरी वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र है। तो गाय है आपके घर में तो फर्टिलाइज़र का कारखाना बोले तो एक गाय, लेकिन वो भी देशी चाहिए, जिसको हम्प है, क्योंकि हम्प में सूरज केतु नाम का एक विवलिन है और उसके थ्रू गाय सूरज की रोशनी अपने बॉडी में लेती है और गोमूत्र गोबर में गोबर से वो बाहर छोड़ती है, इसलिए देशी गाय का गोबर का बिल्कुल स्मेल नहीं आता। देशी गाय के गोबर में 23% ऑक्सीजन है और आदमी को जिंदा रहने के लिए 21% ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए जो लोग गाय के सानिध्य में आते हैं, रोज गाय के अंश हाथ घुमाते, उसको कोई बीमारी नहीं। ये हम लोग भी 2.5 लाख लोग देख रहे हैं बहुत साल से, और बाकी लोग भी देख रहे हैं। आप किसानों और युवक को क्या कहना चाहते हैं? किसानों ने तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, जिसमें सब्जियां, धान, मिल्क और फ्रूट, इसका प्रोडक्शन करना है, 20 कस्टमर ढूंढना है और डायरेक्ट होम डिलीवरी देना है। किसानों ने डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहिए, बिल्कुल मिडल मैन की ज़रूरत नहीं। 75 ईयर हो गए हम लोग मिडल मैन को देते, एक भी किसान अमीर नहीं, मिडल मैन सब अमीर है, इतना अमीर है कि अभी उनको 20 पीढ़ी तक बिल्कुल पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं। और दूसरे जगह में किसान की आप हालत देखेंगे, दूसरे दिन का खाना नहीं, आज का ही खाना नहीं, इसलिए किसानों ने वो काम करना चाहिए। किसानों के लड़के पढ़े लिखे, अभी वो पढ़े लिखे लड़के सिर्फ नौकरी ढूंढते, जिनके पास ज़मीन है वो क्यों नौकरी ढूंढेगा, जिसके पास ज़मीन नहीं उसको नौकरी करनी है, लेकिन ज़मीन है वो क्यों नौकरी करेगा? अगर एक गाय संभालता है, रोज़ 10 लीटर उसका दूध निकलता है, देशी गाय का आज 70 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक दूध का भाव है, तो रोज़ 500 से 1000 रुपये गाय के दूध से कमाएगा तो फैमिली अच्छा नहीं चलेगा। तो यंग जनरेशन को मेरी विनती है कि आप आइए,
मशीनरी तैयार कीजिए, आज लेबर नहीं मिल रहे फार्मिंग को, छोटी छोटी मशीनरी से आप फार्मिंग कीजिए, क्योंकि आपको लेबर लेना है, उनके साथ झंझट करना नहीं अच्छा लगता, मशीनरी से फार्मिंग करो। मशीनरी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आज बाजार में जो मशीनरी मिलती है बहुत महंगी है, बहुत महंगी, इतनी महंगी किसान नहीं यूज़ कर सकता। मेरा लड़का जो 1.5 लाख का पावर टिलर है वो 42,000 में तैयार किया उसने, 1.5 लाख वाला बेच नहीं सकता, ये 42 वाले के पास वेटिंग है हमेशा। बहुत इंपॉर्टेंट ये काम है, ऐसा काम किसानों ने करना चाहिए, और यंग जनरेशन ने मशीनरी और मार्केटिंग में बहुत उनको स्कोप है। और कुछ आप बताना चाहते हैं? ओके, तो मैं ये बताना चाहता हूँ सब सिस्टम को, इस सिस्टम के द्वारा सिर्फ इंडिया में अभिनव ग्रुप ही काम कर रहा है, खुद तैयार कर रहा है और खुद बेच रहा है, इसलिए एक भी हम गरीब लोग नहीं, बिल्कुल हम लोग, हमारे पास कार है, बंगला है, हम हस्बैंड वाइफ बच्चों को लेकर हर 2 महीने किसी टूरिज्म में जाकर घूम के आते हैं, 5-10 लाख रुपए का हमेशा बैंक बैलेंस है, हमारे लड़के भी इंजीनियरिंग तक पढ़ाई कर रहे, इतना पैसा है हमारे पास, क्या चाहिए किसानों को? हमको करोड़ रुपए की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना जिंदा रहने के लिए, अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए जितना पैसा लगता है उतना पैसा हमारे पास है। और दूसरा, बिल्कुल मेडिसिन लगता नहीं, बिल्कुल बीमारियाँ नहीं किसी को भी, क्योंकि हम नेचर के साथ रोज़ काम करते हैं। हमारा एक भी लड़का जिम को नहीं जाता, फार्मिंग ही जिम है उसके लिए। तो ये सब खर्चे बचेंगे तो कोई ना, हर फैमिली अमीर ही बनेंगी। ऐसा ही काम अगर आप सब लोग इस चैनल की तरफ से और इस सिस्टम की तरफ से करेंगे तो 100% एक भी गरीब नहीं रहेगा और सुसाइड भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।